सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इंडस्ट्री में शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुक कायम करने को बिल्कुल भी मायूब नहीं समझा जाता। यही वजह है कि यहाँ बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो तवील अरसा तक चलते हैं। संजय दत्त और माधुरी की मोहब्बत भी बॉलीवुड के कुछ नाकाम माशकों का अमली नमूना है जो कुछ अरसा तक तो चली लेकिन फिर दोनों की राहें अलग अलग हो गईं। इसी माशके की वजह से दक दक गर्ल को एक ऐसा अजीब व गरीब मुआहदा करना पड़ा था जिसकी बॉलीवुड की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक भारतीय शोबज़ रिसाले के मुताबिक 90 की दहाई में माधुरी की संजय दत्त से कुर्बतें बढ़ने लगी और फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान दोनों काफ़ी करीब आ गए और इस वक्त संजय दत्त की अहलिया ऋचा शर्मा इन्हें छोड़कर बैरूनी मुल्क जा चुकी थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में तमाम रुकावटें दूर हो चुकी थीं और दोनों यकजान दो कालिब का मंजर पेश करने लगे थे। और इस माशके को ब्लॉकबस्टर फिल्म साजन ने मजीद गहरा कर दिया। जब संजय दत्त अकेले शूटिंग कर रहे होते तो वो सेट पर माधुरी से फ़ोन पर घंटों बातें करते जिसका बिल भी प्रोड्यूसर्स के खाते से अदा होता था। और इसी दौर में डायरेक्टर सुभाष घई ने दोनों को सुपरहिट फिल्म खलनायक में साइन कर लिया। ताहम इन्हें यह खदशा लाक हो गया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कहीं ये दोनों एक दूसरे से शादी ना कर लें या फिर माधुरी हामला ना हो जाए। और इसी खदशे के पेश नज़र सुभाष घई ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी मुआहदा कर लिया जिसके तहत फिल्म की तकमील तक माधुरी हामला नहीं हो सकती थी। सुभाष घई और माधुरी के मुबैन ये मुआहदा तय पाने के बाद ही खलनायक की शूटिंग शुरू हुई और इस मुआहदे के जरिए सुभाष घई अजीब व गरीब मुआहदे करने वाले पहले और अकलौते डायरेक्टर बन गए, जबकि माधुरी ने भी ऐसा मुआहदा करने वाली पहली अदाकार होने का ये एजाज़ अपने नाम कर लिया। तो मैंने आपको स्टार्ट में ये बात की कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुक कायम करने को बिल्कुल भी गलत या मायूब नहीं समझा जाता और ये चीज़ अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं पूरी इंडिया में आम हो चुकी है कि शादी से पहले कोई सेक्स या ऐसी कुछ भी हरकतें इसको गलत नहीं समझे तो वो खुलेआम और शरेआम करते हैं और बताते भी अपनी फैमिली में और उनके भाई पेरेंट्स कुछ भी इस चीज़ को गलत नहीं समझते। खैर मेरा ये टॉपिक है नहीं है, इस टॉपिक पर अगर कोई और वीडियो बनी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। माधुरी और संजय दत्त की इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है हमें अपनी राय का इजहार करें नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरी और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।